जहां बस टिकट्स 2000 की मिलती है, वहीं 1580 में अगर आपको बिजनेस क्लास मिलेगा तो आप भाग के एयरपोर्ट जाओगे। और इसके लिए आपको बस अकासा एयरलाइन में फ्लाइट बुक करनी है, और आपको बस ये होप करना है कि 1A के साथ 1B वाली सीट्स फ्लाइट में हो ही ना। 1A और 1C अगर है तो इसका मतलब आगे वाले सीट्स बिजनेस क्लास है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें खाना मिलता है, लाइक लिटरली खाना। फ्राइड काजू और कप नूडल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चिकन बिरयानी विद कोक की बात कर रहा हूं। और खाना भी बिल्कुल गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट। और 30,000 फिट ऊपर अगर आपको बिरयानी मिल रही है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। और क्योंकि अकासा एयर इंडिया की सबसे नई एयरलाइन है, आप नोकिया 3310 के अलावा कोई भी फोन यूज करते हो तो आपको यूएसबी केबल मिल जाएगा, फोन होल्डर मिल जाएगा, एंड मेन्यू में बहुत सारा खाने का ऑप्शन। जी हाँ, बिरयानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बढ़िया बात, इकोनॉमी में इतना ज्यादा लेग रूम कैसे है भाई? 6 फीट 3 इंच का हूं मैं, मेरा पैर बहुत आराम से आ गया। अब वो अलग बात है कि बिजनेस क्लास में फुट रेस्ट भी है और उस पर आप थोड़ी बहुत पैडलिंग भी कर सकते, लेकिन बिजनेस क्लास में आपको आर्मरेस्ट शेयर नहीं करना पड़ेगा। और इसका ग्लव बॉक्स इतना ज्यादा डीप है, या आई नो दैट्स व्हाट ही सेड। और फाइनली मुंबई से गोवा में पहली बार बिना समुद्र का व्यू लिए हुए पहुंचा हूं, क्योंकि मैं गोवा के नए एयरपोर्ट मापुसा एयरपोर्ट पे आया।